आपने तो पूरा सर्कल करके छोड़ दिया, आंसर के बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ग्रुप में मैसेज करने से पहले थोड़ा सा सोचा कीजिए कि कम से कम दूसरों को तो गलत जानकारी नहीं मिल रही ना। अब वो दूसरे को क्या पता, तो इंडिविजुअल मैसेज कीजिए दूसरे से पूछना है तो। ग्रुप का मतलब समझा कीजिए, ये प्रोफेशनल ग्रुप है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये तो थोड़ी ना कि लड़कों का ग्रुप बना हुआ कि आपस में पूछे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, उसमें सभी को जुड़े हुए हैं। अब उसमें आपने सिंपल सर्कल करके पूछ दिया तो उसमें मेरे पे क्वेश्चन मार्क हो गया ना, तो मतलब कि आंसर की मैंने गलत प्रोवाइड किया। सभी आंसर के बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो उसको आप इंडिविजुअली अलग से पूछिए कि हाँ इसका आंसर मैच नहीं करो, उसको मैं भी क्रॉस वेरीफाई करूंगा। हाँ, कहाँ तक हो गया था कभी मौका क्यों। अच्छा, आर्किमिडीज हमें स्टार्ट करना था, बैलेंस से डेफिनेशन बताई थी ना मैंने। वीडियो ऑन कर लीजिए। लिखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। The loss of weight, the loss of weight of body submerged, submerged bracket में partially or fully, submerged partially or fully in a fluid, in a fluid is equal to weight of fluid, weight of fluid displaced, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैंने कहा कि कोई भी लिक्विड है जिसके अंदर आपने कोई बॉडी ली जो कि फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है, और ये फ्लोट कर रहा है। ठीक, अगर ये फुल्ली सबमर्ज्ड है फ्लोट कर रहा है, या सिंपल मैंने क्या हूं कि पार्शली सबमर्ज्ड है और फ्लोट कर रहा है, कोई सा भी केस ले लें, ये आपका समझ किया हुआ है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हमेशा अगर हम लोग यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ एमजी तो लगेगा ही हमेशा, लेकिन जितना आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट वो ऊपर की तरफ लगेगा, उसी को हम लोग बायंसी कहते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जिसे को हम लोग बायंसी का नाम देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेट वेट के बारे में बात करूं कि नेट वेट कितना है, ठीक है, नेट वेट कितना होगा, एमजी माइनस एफबी नेट फोर्स। ठीक, तो अगर मैं नेट फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी, यही हो रहा है ना, मतलब कि हमारा क्या है, जो वेट है वो लॉस हो रहा है। अगर एयर में रखा होता तो वेट कितना होता है एम जी के इक्वल, लेकिन जैसे ही मैंने उसको लिक्विड के अंदर डाला तो एक बाइंड फोर्स लगने लगा ऊपर की तरफ, ठीक है,
इसके कारण क्या हुआ, जो बॉडी का वेट है वो डिक्रीज हो गया, और वो कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ, एफबी अमाउंट से डिक्रीज हुआ, और एफबी क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड स्पेस, ठीक है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि अगर मैं किसी भी फ्लूइड में किसी भी बॉडी को डालूंगा तो उसमें क्या होगा, देयर इज लॉस इन वेट, और वो जो भी लॉस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, एफबी के इक्वल, और एफबी क्या है, वेट ऑफ लिक्विड स्पेस, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये मानते हुए कर रहा हूँ कि जो बॉडी है वो फुल्ली सबमर्ज है, ठीक। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज है तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या है, एम जी माइनस एफ बी, ठीक है, तो एम जी माइनस एफ बी, यही तो अपेरेंट वेट होगा, एक्चुअल वेट तो ये था mg, लेकिन जैसे मैंने लिक्विड के अंदर डाला तो fb फोर्स एक्ट करने लगा, तो जिसके कारण हुआ कि वो mg से वैल्यू कम आ रही है, तो उसको मैंने एक नया नाम दिया एपरेंट वेट, कि लिक्विड के अंदर डालने से तो उसका वेट कितना हो जाएगा। अब मैं इस एपरेंट वेट के अगर मैं बारे में बात करूं तो एपरेंट वेट, जिसको मैं w डैश से डिनोट कर रहा हूं, एक्चुअल वेट w माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही होगा, ठीक। हम लोग वेट को क्या लिखते हैं, mg, और m का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैंने लिखा mg, m किसका, मास ऑफ बॉडी, मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू g, ये होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, m के इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब कि जो डिस्प्लेस किया है, इनटू जी। अभी मैंने क्या माना हुआ है कि जो पूरी बॉडी है वो पूरी की पूरी सबमर्ज है, इसका मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जितनी वॉल्यूम बॉडी की होगी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो। तो यहां पर वी डी इज इक्वल टू वी वी है, तो रो बी वी वी इंटू जी माइनस रो एल VB into G। तो यहां पे देखिए जो apparent weight है वो कितना आ जाएगा, VB G को कॉमन ले लिया आपने, चलिए पूरा के कॉमन ले लीजिए, रो बी वी बी और G, तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस रो L डिवाइडेड बाई रो B, ये हो जाएगा, ठीक। ये क्या था, वेट, एक्चुअल वेट तो ये था ना W, तो ये आपने लिखा W, वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एपरेंट वेट। तो अगर कोई भी बॉडी फुली सबमर्ज है तो एपरेंट वेट क्या होगा, W वन माइनस रो एल डिवाइडेड बाय रो बी। नोट कर लिया। अब देखिए हम लोग तीन केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केस वन, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसका मतलब
थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, यहां पर जो भी बॉडी है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और mg क्या है, रो b वॉल्यूम b इनटू g, ठीक है, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है रो l वॉल्यूम डिस्प्ले इनटू g, ठीक। अभी भी सिंपल से ये सोचिएगा कि मैंने कहा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है, ठीक है, मैंने इसलिए वाला केस लिया था ताकि एनालिसिस आसान हो जाती है। मैंने अभी क्या केस लिया था कि बॉडी फुल्ली समर्ज, ठीक है, आपने बॉडी को फुल्ली समर्ज कर दिया। अगर बॉडी फुल्ली समर्ज है तो उस केस में आपने देखा कि ये वाली जो वैल्यू है डेंसिटी ऑफ बॉडी फुल्ली समर्ज है तो ये दोनों का कॉन्स्टेंट हो गया ना, इन दोनों का, ये वाला दोनों सेम है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। मान लीजिए बॉडी को पूरी फुल्ली समर्ज कर दिया, ठीक, और जब बॉडी को फुल्ली समर्ज कर दिया तो नेट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या केस लिया, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में बायन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। तो अगर मैं कोई सी भी बॉडी ले रहा हूं, मैंने क्या किया, एक बॉडी लिया उसको फुल्ली सबमर्ज कर दिया, मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको, ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो बायन फोर्स है उसकी वैल्यू तो ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये बॉडी को क्या करेगा, ऊपर ले आएगा, ठीक। तो बॉडी ऊपर आएगी, इसका मतलब अब वो फ्लोट करेगा लेकिन पार्शियली सबमर्ज होगी, फ्लोट एंड पार्शियली सबमर्ज, पार्शियली सबमर्ज क्यों होगा, फुल्ली सबमर्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब फुल्ली सबमर्ज था तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है ना, ये वाला पार्ट तो इक्वल है जब फुल्ली सबमर्ज है, ठीक, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी ऊपर लेकर आएगा तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी से कम हो जाएगा, वो तब तक ऊपर आता रहेगा जब तक दोनों नेट फोर्स क्या ना हो जाए, बराबर ना हो, ठीक है। इसलिए जब डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ये पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करता है। एपरेंट वेट कितना होगा, एपरेंट वेट कितना होगा, ये ऊपर क्यों आ रहा था, क्योंकि बायन फोर्स ज्यादा था, ये तब तक ऊपर आता रहेगा जब तक बायन फोर्स एमजी के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब अगर कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स होता या तो ऊपर जाता या तो नीचे आता, फ्लोट कर रहा है इसका मतलब नीचे वाला फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, बाय एंड फोर्स, तो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स लगी नहीं रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी, क्लियर है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपने फुल्ली समझ करके वही वापस आपने फुल्ली समझ कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस दोनों इक्वल है और यहां पे आपका डेंसिटी भी इक्वल है, तो इसका मतलब जो फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा है, ठीक, तो इस केस में भी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी लेकिन फुल्ली सबमर्ज्ड, एपरेंट वेट कितना होगा, जीरो, हमेशा याद रखिएगा जब भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसका मतलब एपरेंट वेट जीरो होगा हमेशा, चाहे वो पार्शियली समर्ज हो या तो फुल्ली समर्ज हो।
तो मैंने एक जनरल केस लिया कि बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, वो फुली समर्ज भी हो सकती है, पार्शियली समर्ज भी हो सकती है। तो आपने कहा कि जब भी फ्लोट करेगा तो एपरेंट वेट तो जीरो होगा, अगर एपरेंट वेट जीरो होगा इसका मतलब W को कौन बैलेंस कर रहा होगा, बाइंड फोर्स, और W क्या था आपका, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, और बाइंड फोर्स क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। तो यहां से एक रिलेशन आपको मिला, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो अगर जब भी बॉडी फ्लोट कर रही हो तो मैं डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं, अगर कुछ भी क्वेश्चन, छोटा सा कोई क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? केस थ्री, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपने फुल्ली समर्ज कर दिया, जब फुल्ली समर्ज कर दिया और उस केस में आपने देखा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो नेट फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। और इस केस में एपरेंट वेट कितना होगा, W माइनस Fp, ये होगा एपरेंट वेट। आपने कहा कि एक बॉडी है जो कि फ्लोट कर रहा है, ये एक्स है, इसकी डेंसिटी आपको थ्री रो दी हुई है और इसकी डेंसिटी आपको रो दी हुई है, ये टू रो दी हुई है, ठीक है। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसका मतलब पार्शियली समर्ज हो कि ये फ्लोट करेगा, अगर पार्शियली समर्ज हो कि फ्लोट कर रहा है तो आपसे ये पूछा गया फाइंड x, बॉडी का कितना हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, फाइंड x। हाँ, वही डायरेक्ट लगा दीजिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको दिया हुआ है 2 रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 3 रो इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, और नीचे का वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये हाइट मान लीजिए इसकी दी हुई है एच, बॉडी की एक्चुअल हाइट। तो यहां से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h अपॉन। क्लियर है? आपने कहा लिक्विड है, इसको आपने वेइंग मशीन पर रख दिया, ये वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन ने वेट मेजर करके बताया लिक्विड और कंटेनर का, इसने क्या बताया कि इसका वेट कितना है, W1, ठीक है। आपके पास एक बॉडी थी, इसका वेट कितना है, W2, और इसके डेंसिटी ऑफ बॉडी मैंने मान लिया डेंसिटी रो है,
और इसकी डेंसिटी 2 रो है, ये है केस मेरे पास। ठीक, अब आपने क्या किया, इस बॉडी को इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट। ठीक है, मेरे से पूछा गया न्यू रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन की न्यू रीडिंग क्या होगी। ये रीड करेगा W1 प्लस W2, ये रीड करेगा लेस देन W1 प्लस W2, ये रीड करेगा ग्रेटर देन W1 प्लस W2 या इनसफिशिएंट डेटा। W1 प्लस W2 रीजन सही है, आंसर सही आ गया, रीजन सही है। हाँ आर्यन क्या क्या है, W1 प्लस W2 नहीं क्यों, एपरेंट वेट जीरो, ठीक है इसलिए लगा मैं तो। देखो बेसिक को याद कीजिएगा कि वेइंग मशीन मेजर क्या करता है, वेइंग मशीन नॉर्मल को मेजर करता है। ठीक है, अब सोचिए, अब सोचिए थोड़ा लॉजिकली। W1 तो मेजर करेगा ही करेगा, ठीक है, अब मेरा तो मेन है W2 कि वो W2 मेजर करेगा, W2 से ज्यादा मेजर करेगा, W2 से कम मेजर करेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स है। ये सही है W1 प्लस W2। अब लॉजिकली सोचिए, W1 तो मेजर कर ही रहा है, ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस W2 को पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो पानी इस पे फोर्स कितना लगाएगा, Fb, इस बॉडी पे फोर्स कितना लगाएगा, बाइंड फोर्स। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ये फ्लोट करेगा। ठीक है, और इसका वेट तो W2 है ना, मतलब कि नीचे फोर्स कितना लग रहा है, Mg, और Mg किसके इक्वल है, W2 के इक्वल। इस Mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा कि ये फ्लोट कर रहा है, तो Fb, बायंड फोर्स बैलेंस कर रहा होगा फ्लोटिंग कंडीशन में। ठीक है, तो लिक्विड ने, पूरे लिक्विड ने मिलकर इस बॉडी पे फोर्स लगाया W2, तभी फ्लोट कर पाएगा, तो भाई फ्लोट नहीं करेगा, इसका वेट को बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा कि इस पूरे लिक्विड ने मिलकर इस पे फोर्स लगाया Fb, जो कि किसके इक्वल है, अगर मैं फोर्स यहां पे 10 न्यूटन का लगाता हूं तो ये भी मेरे हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो लिक्विड ने मिलकर इस बॉडी पे फोर्स लगाया W2, तो बॉडी भी लिक्विड पे कितना फोर्स लगाएगा, W2, और यही फोर्स तो यहां पे ट्रांसफर होगा वही मशीन में, तो W2 फोर्स लग रहा है और पहले से W1 था ही, तो कितना रीड करेगा, W1 प्लस W2 रीड करेगा, ना कि कम ना ही ज्यादा। ठीक है, तो रीजन थोड़ा सही से लिखिए।
अगर मैं बिल्कुल बेसिक फंडा देखूं कि हाँ अगर लिक्विड में कोई बॉडी को डालते हैं तो मेजर क्या करता है वेइंग मशीन, वो क्या मेजर करता है? एफबी को मेजर करेगा, बायन फोर्स को मेजर करेगा, क्योंकि लिक्विड जितना लगाएगा बॉडी पे बायन फोर्स, बॉडी भी वही फोर्स लगाएगी लिक्विड पे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब बॉडी यहां पे कौन से फोर्स को ट्रांसफर कर रही है वेइंग मशीन की तरफ? बायन फोर्स को ट्रांसफर कर रही है। तो अगर बायन फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू टू के बराबर है तो वही होगा, उससे कम है तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा होगा। नोट कर लिया? Density of body is greater than density of liquid. ये given है। अब weighing machine क्या read करेगा? W1 plus W2, W1 less than W1 plus W2, greater than W1 plus W2, या insufficient data? क्यों? ठीक है, ठीक है, तो ये W1 प्लस जो भी काम है W2। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा फोर्स ट्रांसफर होता है? बायन फोर्स। ठीक है, क्योंकि बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी सिंक करेगी। बॉडी सिंक क्यों करेगी? क्योंकि बायन फोर्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो बायन फोर्स कम होगा तभी तो बॉडी नीचे सिंक करेगी। इसका मतलब बायन फोर्स की वैल्यू कम है किससे? W2 से। ठीक है, बायन फोर्स इज लेस देन W2, तो Fb यहां पे ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स ट्रांसफर हुआ वो W2 से क्या है? कम है। तो नेट फोर्स कितना होगा? W1 प्लस W2 से छोटा होगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन। आइस है जो कि वाटर पे फ्लोट कर रहा है, ठीक,
या insufficient data या tie data? Sir, remain same. क्यों? क्योंकि सर अभी उसने मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, जो वो वॉल्यूम मेल्ट होगा वो उसके इक्वली होगा. कैसे? यही तो क्वेश्चन है. कैसे? सोचिए सोचिए. एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेल्टिंग पे. देखिए लॉजिक बताता हूं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिक क्या लगाते हैं. मैंने कहा कि बॉडी को जब आपने अंदर डाला, अभी फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो इसने कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा. ठीक, तो मान लीजिए आपने अंदर डाला, इसको हटा दिया, एक गड्ढा नजर आ रहा है, क्यूबॉइड शेप का गड्ढा है, जो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक, मेल्ट होने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, जो मेल्ट होने के बाद नया वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो मैंने कहा कि आइस मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट हो गया, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं कि कितना वॉल्यूम बनेगा. ठीक, तो अगर ये जो नया वॉल्यूम बना आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर ये इसके इक्वल है, तब तो इस पूरे गड्ढे को भर देगा. ठीक है, अगर ये वॉल्यूम इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से कम है, तो गड्ढे में थोड़ी सी जगह रह जाएगी, इसका मतलब वाटर लेवल को डाउन होना पड़ेगा. ठीक, अगर ये नया वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्प्लेस से ज्यादा है, तो गड्ढे के ऊपर आएगा ना, तो वाटर लेवल से लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो यही सोचना है कि ये जो न्यू वॉल्यूम है, क्या वो इसके इक्वल है, इससे कम है या इससे ज्यादा है, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस. इसी क्वेश्चन को जनरलाइज कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सेम कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, इससे एक ही क्वेश्चन करवा दो. इसके बारे में सोचिए, न्यू वॉल्यूम कैसे निकालना है, सोचिए सोचिए. पहले वॉल्यूम डिस्प्लेस भी देखना पड़ेगा, न्यू वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा. ये मेल्ट कर, सॉरी, ये फ्लोट कर रहा है. फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो एमजी फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, बाइंड फोर्स. ठीक है, तो पहले वाले केस में देखते हैं. एमजी फोर्स मतलब कि डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, बाइंड फोर्स. इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वॉटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी, यही बैलेंस कर रहा है ना इसको. तो यहां से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ रहा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आएगा, रो ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाई रो ऑफ वॉटर. ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आया जब फ्लोट कर रहा था. ठीक, अब आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या चीज सेम रहेगी, मास. ठीक है, मास सेम नहीं होने वाला, मास तो वही रहेगा ना. ठीक, तो अगर आइस आपका पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मास कांस्टेंट है. तो इसका मतलब मास डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉटर, क्योंकि वॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, इंटू वॉल्यूम न्यू,
कितना नया पानी बना, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहां से हमने देखा जो वी न्यू आ रहा है वो कितना हो रहा है, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय रो ऑफ वॉटर, दोनों सेम आ गए। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस और वॉल्यूम न्यू दोनों सेम है, मतलब कि जितना गड्ढा बना था उसको मैंने नए वॉल्यूम से भर दिया, तो वॉटर लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर सर मेरे से समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा देखिए मैं कह रहा हूं कि जब फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट कर रहा है तो उसने कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया होगा ना, फ्लोट तो तभी करेगा, वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा। सर एक चीज पूछनी है, वो मेल्ट पूरा हो रहा है ना? हाँ हाँ पूरा पूरा। ठीक है सर अब आप कंटिन्यू करिए। तो मैंने कहा कि अगर मैंने आइस को रखा है तो मैंने कहा कि एक बॉडी है आइस क्यूब है, उसको पानी में डाला तो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया। यस सर। ठीक, तो वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ मेरे को वो निकालना है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा उसने। तो सिंपल वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, क्योंकि बायन फोर्स किसके इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल, क्योंकि फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर आपने एमजी को किससे बैलेंस किया, बायन फोर्स से। तो एमजी का मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। बायन फोर्स का मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि वॉटर है वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी। तो यहां से मैंने निकाल लिया कि इस आइस ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, वो आ गया। ठीक है, अब मैंने माना कि जो आइस है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया पानी में। ठीक है, तो क्या चीज सेम रहेगी, मास, मास तो वही रहेगा ना। तो मास डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस वॉटर में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू वॉल्यूम न्यू, कि कितना पानी बना तो उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो यहां से मैंने न्यू वॉल्यूम निकाल ली, जब आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो गया तो कितना पानी बन चुका होगा। अगर ये दोनों वॉल्यूम सेम है तो जितना गड्ढा बना था उसने को भर दिया ना, वॉल्यूम सेम होगा तो उसमें शेप में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। मेरे को सर ये चीज तो समझ आ गई, एक बार आप डायग्राम दिखा दीजिए जिसमें आपने पार्शियली समर्ज कर रखा है। ठीक है सर, सर इसका आंसर क्या है सर, रिमेन सेम? हाँ ठीक है सर, तो आपने सर पार्शियली समर्ज कर रखा है। हाँ ठीक है सर, अब सर आइस डालने से पहले कुछ लेवल रहा होगा, डालने से ही पहले सर डाला तो बढ़ गया। ठीक है सर, अब सर आपने सही बोला आइस निकालें और ऐसा इमेजिन करें कि वो क्यूबॉइडल कैविटी बन गई है। हाँ ठीक है, ठीक है सर, अब सर मैं वो आइस लेता हूँ और आइस जितनी समर्ज थी उस पार्ट को काट के मैं मेल्ट कर दूंगा तो उतना, तो उतना उसमें डाल दिया पानी में तो लेवल सेम रहेगा? नहीं, हाँ क्योंकि जब सर? मैं क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। सिंपल से एग्जांपल, जैसे रुई लिया आपने, ठीक है, रुई अगर 1 kg तोलेंगे तो इतना बड़ा इकट्ठा हो जाएगा रुई। ठीक है, कॉटन ऐसे होता है ना, क्योंकि रुई लेंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर लोहा लेंगे तो 1 kg लेना है, कितने छोटे में आ जाएगा लोहा, देखते हैं ना तराजू पे रखते हैं, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg। तो हम लोग जब तराजू पे रुई से क्यों नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, इतना बड़ा तराजू इतनी ज्यादा इतनी सारी रुई रखनी पड़ेगी कि सब्जी वाला उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, तो वो वही खेल है कि अगर हम लोग डेंसिटी को कम रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मेरे तो नहीं समझ, डेंसिटी अलग अलग है ना, डेंसिटी सर कैसे अलग हो गई इसमें? क्यों, आइस और वाटर का डेंसिटी अलग अलग होता है बेटा। हाँ सर वो तो होता है सर। हाँ
वो तो ठीक है, पर सर जब मैंने आइस निकाली क्यूबॉइडल हाँ कैविटी रह गई। ठीक हाँ है सर, अब मैं कह रहा हूँ जो आइस में से हमने काट के जितना पार्ट निकाला, जो ऑर्डर जो समर्ज था सिर्फ उतना पार्ट निकाला, ठीक ठीक है, उसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। इसमें डाल दिया, क्यों तो गड्ढा पूरा भरेगा नहीं, खाली सर? रह जाएगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है। ठीक ठीक है सर, है, ठीक है, ठीक है, अगर और अच्छे से समझना है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे कभी देखा है कि कोल्ड ड्रिंक लिया उसमें हम लोग आइस डालते हैं? ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे को बहुत पीना था, मैंने आधे से ज्यादा भर दिया कोल्ड ड्रिंक, आइस बहुत डाला, और वो बिल्कुल बॉटम, मतलब कि जो ग्लास था वो पूरा ऊपर तक भर गया। ठीक यस सर, है, मैं सोचा कि थोड़ी देर के बाद पीता हूँ कि थोड़ा ये मेल्ट हो जाए। ठीक, और मैंने सोचा कि मेल्ट हुआ तो देखा कि आधा तो कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर गया। गिरता नहीं, उतना को उतना ही रहता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, पानी लीजिएगा, आइस लीजिएगा, उसको उसमें डाल दीजिएगा और उसको पूरा फिल कर दीजिएगा, मतलब जहां तक वाटर लेवल आ चुका होगा, और ग्लास पे मार्क कर दीजिएगा कि ये वाटर लेवल है। अब उसको पिघलने दीजिए, पिघलेगा तो वाटर लेवल भी वही रहेगा, उतने को उतना ही, वही ये प्रूव कर रहा है मैथमेटिकली। ठीक ठीक है। है, नोट कर लीजिए। कल मॉर्निंग में क्लास है 9 to 11। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इवनिंग में तो है अभी 5:45 पे। हाँ, 9 to 11। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक फ्लोट करेगा ना, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, मैंने वुडन ब्लॉक पानी में डाला, वो फ्लोट कर रहा है, और इसके ऊपर मैंने क्या रखा, एक आयरन पीस रखा, एक आयरन पीस रखा हुआ, फ्लोट कर रहा है पूरा सिस्टम। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस आयरन पीस को पानी में डाल दिया, तो जो वाटर लेवल है, वॉटर लेवल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा।
अनुष्का बताइए। आर्यन नहीं पता सर, कुछ तो लॉजिक कम होगा क्यों? सोचिए सोचिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फ्लूइड में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्या किया, वुडन पे आपने आयरन रखा हुआ, ठीक। तो अभी मैंने कहा कि अभी जो इसका पूरे का पूरा वेट है वो 100 न्यूटन है। मान लिया कि 100 न्यूटन का वेट है आयरन प्लस वुडन ब्लॉक दोनों का मिलाकर, ठीक। तो ये तो फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट करे इसका मतलब अभी भी बायन फोर्स किसके इक्वल होगा, 100 न्यूटन के इक्वल। अगर बायन फोर्स 100 न्यूटन के इक्वल है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल सकता हूं, ठीक है, कि मतलब उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। अब मैंने आयरन पीस को डाल दिया इसके अंदर, तो आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, जैसे 1 kg का अगर आयरन लूंगा तो इतने छोटा सा होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको आयरन को अंदर डाल दिया, तो सिंक हो जाएगा ना, तुरंत सिंक हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सिंक हो गया, ये आयरन पीस अंदर चला गया, ठीक। अब जो वुडन ब्लॉक का जो वेट है वो मैंने कहा 40 न्यूटन है। पहले आयरन इसी के ऊपर रखा हुआ था तो वेट ज्यादा होगा ना, ठीक। अब आयरन को हटा दिया तो वुडन का वेट तो कम होगा, तो मैंने कहा कि मान लीजिए 40 न्यूटन वेट है। अब बायन फोर्स कम होगा, वो 40 को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो 40 को बैलेंस करेगा तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी तो कम ही डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना उसको। एफ बी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, ठीक है। मैंने कहा आप तो उसको कितना बैलेंस करना है, 40 न्यूटन को बैलेंस करना है। इसका मतलब जो लिक्विड का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसका वेट भी कितना होना चाहिए, 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन कब होगा, जब वॉल्यूम कम डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस करेगा तो पहले वाले केस में ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था, मैं ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था, इसका मतलब वाटर लेवल ऊपर आना पड़ेगा ना। अब सेकेंड केस में कम वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, आगे समझ में। ये तो लॉजिकल आंसर था, ठीक है, लिख लीजिए लॉजिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले बायन फोर्स ज्यादा था इसलिए वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा होगा, सेकंड केस में बायन फोर्स कम है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस भी कम होगा। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो रहा है इसका मतलब वाटर लेवल डाउन होगा।
सिंपल से एग्जांपल, अगर कोई भी बॉटल लेके मैं पानी में डाल रहा हूँ, आपने पार्शियली सबमर्ज किया, आधी पानी आधी बॉटल डाली है, तो वॉटर लेवल यहाँ तक आया होगा मान लीजिए। अभी और डालूंगा तो और ऊपर आएगा ना पानी, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वॉटर लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होगा तो वॉटर लेवल डाउन होगा, पहले ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस था, सेकेंड केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो गया, जिसका मतलब वॉटर लेवल को भी कम होना पड़ेगा। उल्टा सोचिए बॉटल का, कि मैंने पूरी बॉटल को अंदर डाल दिया, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, अब मैं बॉटल को ऊपर बाहर निकाल रहा हूं तो वॉटर लेवल डाउन होगा। आ गया नहीं आया? ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम डिस्प्लेस किस केस में ज्यादा होगा, पहले वाले केस में कि सेकंड केस में? ये क्लियर हुआ कि जब आयरन रखा हुआ है उस समय ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस? हाँ सर ये तो ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैंने खाली बॉटल ली, ठीक है, सिंपल घर पे करके देख सकते हैं, खाली बॉटल को पानी के अंदर डालिए, मैंने पूरा डाल दिया, ठीक, वॉल्यूम सबसे ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, पूरा पानी के अंदर डाल दिया बॉटल, तो पानी ऊपर तक आ चुका है, ठीक। अब मैं बॉटल को बाहर निकाल रहा हूँ, ये पानी लेवल वहीं पर रहेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। बस यही तो क्या था? वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो रहा है तो वॉटर लेवल डाउन हो रहा है। मतलब अगर हाँ सर ये तो ठीक है। बोलिए बोलिए। ये मैं समझ गया सर, पर ये जब दोनों है साथ में, जब कुछ नहीं है तब तो ठीक है, जब दोनों है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। हाँ ठीक है सर, अब जब हमने आयरन हटाया तो वो नीचे चला गया वॉटर लेवल। अब आयरन जब फिर से डाल रहे हैं तो सेम रहेगा? हाँ आयरन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आयरन तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आयरन भी अंदर डाल, हाँ मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आयरन अंदर डालूंगा तो आयरन भी तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा? हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा तो चलिए फिर मैथमेटिकली करते हैं, लॉजिकली लिख लीजिए, मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन से बचना चाह रहा था, ठीक है, मैथमेटिकली सर मैं मैथमेटिकली नहीं जाना, मैथमेटिक्स बता समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। उसी से समझ में आएगा वो, मैथमेटिकली उसी से समझ में आएगा, पहले ये लॉजिक तो लिख लीजिए, करते हैं, दो लाइन लगेगा ज्यादा नहीं, दो चार मिनट और जाएंगे, तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, कैसे बता देंगे ये तो आप जबरदस्ती मेरे को बता देंगे, मेरे को जबरदस्ती मानना पड़ेगा, अगर मैं नहीं मानना चाहता हूँ तो मेरे को आपको देना पड़ेगा ना प्रूफ कि हो रहा है, देखो डेटा है मेरे पास, तो पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिए उसके बाद समझते हैं कि मैथमेटिकली कैसे करें। चलिए नोट कर लिया, मान लीजिए वोल्ट का मास कितना है, m1 मास ऑफ वोल्ट, और m2 क्या है, मास ऑफ आयरन, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब पहले केस में जब वुड के ऊपर आपने आयरन को रखा हुआ है, ठीक, तो यहां पे मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यही हो रहा होगा इस पूरे मास का, ये जो भी पूरे सिस्टम का मास है वो वॉटर के मास के इक्वल होना चाहिए,
इनटू जी तो करना है, जी को कॉमा लेके कैंसिल कर दिया, मैं वेट के बारे में बात नहीं कर रहा। तो यहां पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आएगा पहले केस में, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू एम वन अपॉन रो डब्ल्यू एम टू डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, ये पहला केस है। इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था जो वुडन के ऊपर मैंने आयरन को रखा हुआ था, ठीक। सेकेंड केस में मैंने आयरन को अंदर डाल दिया पानी के अंदर, अब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा, वुडन तो है ही, वुड का मास तो है ही ना, इसको कौन रो डब्ल्यू, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक। प्लस एम टू, यहां पे क्या आएगा, रो ऑफ आयरन, अब तो इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा ना, नहीं आया समझ। आयरन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सिंक हो चुका है, ठीक। अगर सिंक हो गया तो जितना वॉल्यूम आयरन का होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा ना वॉटर, सिंक हो चुका है आयरन, तो सिंक हो चुका है, इसका मतलब आयरन के कारण, आयरन के कारण आयरन का वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी ऑफ आयरन इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यही होगा ना। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन ना, मेरा तो मेन काम था कि वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना, और ये दोनों किसके इक्वल है, मास ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाय रो ऑफ आयरन ना, ये आएगा ना, तो मैंने वही लिखा है। सेकेंड केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ये हो रहा है, न्यू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, दोनों में देखे ये चीज कॉमन है, मेन खेल इसी का है। अगर यहां पे देखे M2 भी कॉमन है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आयरन की कि वाटर की, आयरन की, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये जो टर्म है इससे छोटा होगा ना, इससे छोटा होगा, इसका मतलब जो न्यू वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो ओल्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस से कम है, वॉल्यूम कम डिस्प्लेस होगा तो पानी नीचे आएगा, आगे समझ में। बस मेरे पास दो ही हथियार थे समझाने के, एक तो मैथमेटिकली और एक जो लॉजिकली इससे पहले दिया, आ गया सर समझ में। चलिए गुड, इसमें टाइम देना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में, ठीक है। इसलिए सभी लोगों से बोलो कहीं पे भी डाउट हो पूछिए, मैं बाबा बोल रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट करना मेरा मेन मोटो नहीं है, उतना पढ़ लें जो कि मैं 100% कर सकूं। मैं कल तक खत्म करवा दूंगा, पता चला फ्यूड के क्वेश्चन एक भी नहीं लाता, कोई फायदा नहीं, कल तक खत्म नहीं होगा, दो दिन और एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कहा कि इसकी लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, इसकी डेंसिटी 2 रो है और इसकी डेंसिटी रो है, तो क्या मैं x निकाल सकता हूं कि कितना ये सबमर्ज्ड होगा, अभी किया था थोड़े पहले निकाली, सिंगल क्वेश्चन में कोरिलेट करता जाऊंगा आगे, x की वैल्यू निकाली कितनी आ रही है, हम्म।
हाँ इसके टाइम में निकाले, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, इसको कौन बैलेंस करे बाइंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो यहां से अगर हम लोग देखें डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको दिया हुआ है रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ एच मान लीजिए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू रो, वॉल्यूम डिस्प्लेस एरिया इनटू एक्स। तो यहां से ए रो, ए रो, तो एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टू, मतलब कितना समझ हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट लिखिए, इफ वी स्लाइटली कंप्रेस द सिलेंडर, इफ वी स्लाइटली कंप्रेस द सिलेंडर एंड रिलीज, एंड रिलीज, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक में हम लोग जा रहे हैं, ठीक, जब लोग ऐसे सेक्शन में करेंगे वहां पे थोड़ा अच्छे से समझा जाएगा। पहले लॉजिकली सोचिए, अभी अभी क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब जो mg है इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, बाइंड फोर्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बढ़ जाएगा। ठीक, अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस बढ़ जा रहा है तो क्या चीज बढ़ जा रही है, बाइंड फोर्स। ठीक है, अभी क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के कारण बाइंड फोर्स बढ़ गया, एमजी तो वही था जो पहले था, वो अभी भी एमजी वही है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स है, इस एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स के कारण बॉडी क्या होगी, ऊपर आएगी, अगर मैं कंप्रेस करूं तो वापस बॉडी ऊपर आएगी, तो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। मैं आइडियल कंडीशन मान के चल रहा हूं, एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स मतलब कि हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, ऐसे ऐसे करके रुक जाती है बॉडी। ठीक है, मैंने कहा कि आइडियल कंडीशन है, अगर मैं कंप्रेस करके छोड़ दूं तो बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक, इसको वाइब्रेट करवा कौन रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स, आ रहे समझ में। और जो एक्स्ट्रा बायन फोर्स है वो है कितना, मैंने कहा कि आपने इतना कंप्रेस कर दिया, इसको भूल जाइए एक्स को, मैंने कितना कंप्रेस किया, ये एक्स, मैंने एक्स कंप्रेस कर दी। ठीक है, अगर एक्स कंप्रेस कर दूं तो इतना ही एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया ना, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो कि पहले नहीं था, कंप्रेस करने के कारण इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया। अगर इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया तो इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम के कारण एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा फोर्स कितना होगा, एक्स्ट्रा फोर्स कितना होगा,
रो किसका, लिक्विड का, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ए इंटू एक्स, ठीक है, इंटू जी यही तो एक्स फोर्स है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है मैंने डिस्प्लेसमेंट नीचे किया है, बायन फोर्स तो ऊपर लगेगा ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, इससे माइनस साइन लगाता हूं, मैंने डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ किया है लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो ऊपर लगेगा, इससे मैंने माइनस लिया, ठीक है। यही फोर्स क्या करवा रहा है बॉडी को, SHM करवा रहा है, ठीक। तो यहां पे देखिए आपने पढ़ा होगा SHM में, अगर थोड़ी बहुत चीजें याद है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, और यहां पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू क्या है, रो एल ए इंटू जी, ये k की वैल्यू है। तो यहां पे आपने टाइम पीरियड लिखा 2 पाई अंडर रूट, अभी एम को रहने, k की वैल्यू कितनी है, रो एल, रो एल कितना है 2 रो ए इंटू जी, एम मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ए इंटू एच जो भी उसकी हाइट थी, इंटू मास में जी आता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन आ गया, समझ में, नोट कर लीजिए। एसेंशियली याद रखिएगा कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो मीन पोजीशन से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि मीन पोजीशन से मैंने बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, तब SHM नहीं करेगी बॉडी, ये सब छोटी छोटी चीजें पता है ना, इसलिए क्वेश्चन में मैंने लिख ही दिया था कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है। हो गया, जो अगला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम में, मैं वैसे ही डेटा ले लेता हूं, ऐसा हो सकता नहीं कि ऊपर वाली लेंथ l बाई थ्री हो, नीचे वाली लेंथ 2l बाई थ्री हो, वो तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना बॉडी का पार्ट सबमर्ज है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सिलेंडर है जिसका 12 बाई 3 पार्ट क्या है, पानी के अंदर सबमर्ज, यही क्वेश्चन था, ठीक। डेंसिटी वगैरह दी है, मैंने कहा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी दिया हुआ और आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दिया हुआ, मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा गया, मैं आपने टाइम पीरियड भी निकाल दी, टाइम पीरियड निकालने का तरीका जो भी आपने देखा था टाइम पीरियड भी निकाल चुकी, मेरे से यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, मेरे से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, हमेशा ध्यान में रखें अगर ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन है तो जो लेंथ कम है, ठीक है, अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो कौन सी लेंथ कम है, ये वाली, ठीक है, इतना ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है SHM के लिए,
इसको पूरा अंदर डाल दीजिए पानी के अंदर, तो ये सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करिए। आ रहे समझ में? ठीक है, तो लिख लीजिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, जो पोर्शन मिनिमम होगा, चाहे वो ऊपर वाला हो या तो नीचे वाला, जो पोर्शन मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एक बॉल है पानी के अंदर एच हाइट तक है, इस बॉल की डेंसिटी रो है, वॉल्यूम वी है, ठीक, और लिक्विड है इसकी डेंसिटी थ्री रो है। मैंने इस पोजीशन पे इसको क्या किया, रिलीज किया, तो कितनी हाइट तक जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है, सॉरी डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, बाइंड फोर्स की एमजी, कौन सा फोर्स ज्यादा है, बाइंड फोर्स। अरे बाइंड फोर्स अभी तो बताया था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करेगा, किया था ना अभी पहला केस हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लेकिन मैंने बॉडी को फुल्ली सबमर्ज कर दिया है, अगर फुल्ली सबमर्ज कर दूंगा तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो इसको ऊपर ले जाता था, पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करता है, नहीं है? आ गया केस वन यही था, तो मैं अगर यहां से रिलीज कर दूंगा तो इससे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना, बाइंड फोर्स, जो कि इसको ऊपर लेकर आएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि इसको अगर आपने यहां से रिलीज किया तो ऊपर आएगा तो बस फ्लोट करने लगेगा, बोलेगा मैं ऊपर तो जाऊंगा ही नहीं, अरे मोमेंटम आ चुका है यहां तक, मोमेंटम आ जाएगा तो इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आके टकराएगा, उसके बाद फिर फ्लोट करेगा। पता नहीं कैसे किया, यहाँ पे एमजी नहीं लगा होगा, ठीक है। कैसे कैसे मेरे को नहीं पता, मेरे को करना पड़ेगा। एमजी नहीं है क्या, ग्रेविटी नहीं है क्या, पॉजिटिव मानते हैं, ज्यादा क्यों लाइन आ जाएगा,
बेकार में लंबा करो मेथड है। आया आया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो बाइंड फोर्स है और एक दूसरा क्या है आपका ग्रेविटी। बाइंड फोर्स आपका ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है एमजी फोर्स। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई एफबी, एफबी तो जब तक पानी में रहेगा तभी तक लगता रहेगा ना, तो एफबी के कारण वर्क डन कितना हुआ, एफबी भी ऊपर लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन बाई एफबी कितना हो जाएगा, एफबी इंटू एच। ठीक, ग्रेविटी लग रहा है नीचे और लेकिन बॉडी मूव कर रही है ऊपर, ठीक है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस एम जी एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, रिलीज किया है जीरो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो उस समय भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। ठीक, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। अब यहां पे पुट कीजिए, एफबी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू एच, मास ऑफ बॉडी मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, रो वी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, जी आएगा ना यहाँ पे, रो वी जी। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वही डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, जो भी मैंने लिया था 2L/3 डूबा हुआ है और ऊपर कितना है L/3, इसकी डेंसिटी है 3 ρ लिक्विड की। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, मेरे पास एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ है, ठीक है, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसमें डाल रहा हूं, ठीक। अब मैं कितना लिक्विड डालूं ताकि इस वाले लिक्विड का लेवल और सिलेंडर की हाइट का लेवल सेम हो जाए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैंने कहा कि मेरे को कितना लिक्विड डालना पड़ेगा, एल हाइट का लिक्विड डालना पड़ेगा तब जाके दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, ये L/2 हाइट का लिक्विड डालना पड़ेगा ताकि दोनों का लेवल सेम हो जाए। नहीं ऐसा नहीं,
क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया कीजिए, आपको भी निकालना है। तो किसका लेवल सेम होगा? ये जो सिलेंडर का हाइट है टॉप मोस्ट पॉइंट, अच्छा मतलब पूरा सिलेंडर के टॉप तक भर जाए। हाँ सिलेंडर का मान लीजिए टू रोल है जिसकी भी डेंसिटी है एल बाई टू। हाँ सही, कैसे? तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये बड़ा ही ऊपर है और यहाँ से एक सिलेंडर है, इसकी ये कुछ आयत हो गया है, इसकी जो आयत है वो माइनस है, सो ये कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूँ इस पे, ये कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस कोई और एंड बिल्कुल सही। अगर मैं बॉडी की डेंसिटी नहीं भी देता तब भी आप लोग कर सकते थे, इस रिलेशन से मैं निकाल लेता कि बॉडी की डेंसिटी कितनी है। इस रिलेशन से देखिए टू रो ही आएगा, नहीं आया? देखिए लिक्विड मैंने डाल दिया, ये नीचे वाला लिक्विड था, ठीक, और रो लिक्विड डाला, ये ऊपर वाला लिक्विड है, ठीक है, और इसके अंदर सिलेंडर है। आपने कहा कि ये कितना है x, मेरे को नहीं पता, ये तो निकालना है क्वेश्चन, ठीक, और ये कितना है l माइनस x, टोटल लेंथ सिलेंडर की l है, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी रो है, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी थ्री रो है, इसका मतलब इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? पहले वाले लिक्विड कारण बाइन फोर्स प्लस सेकंड वाले लिक्विड के कारण बाइन फोर्स आएंगे, तो यहाँ पे इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? पहले वाला लिक्विड और दूसरा वाला लिक्विड, दोनों के कारण जो बाइन फोर्स है वो इसके वेट को बैलेंस करता है, ठीक, तो पहले वाले लिक्विड के कारण बाइन फोर्स कितना? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्स इंटू जी,
यही होगा ना। सेकंड वाली लिक्विड के कारण कितना होगा, रो एल थीरो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ए इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ये किसको बैलेंस कर रहा है, बॉडी के वेट को। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, तो यहां से निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू। आप तो कल इवनिंग में भी क्लास ले सकते हैं क्या, है इतनी हिम्मत है? क्योंकि मॉर्निंग में लेक्चर स्टार्ट से इवनिंग में मैं फिर फ्लूइड को आगे देख लूंगा, सिर्फ एक घंटे, ज्यादा नहीं कि मैं दो तीन घंटे पढ़ा रहा हूँ, एक घंटा बस। कर सकते हैं क्या सर? कल मॉर्निंग में 9 to 11 है लेक्चर स्टार्ट, ठीक है? क्योंकि फ्लूइड के अभी 3 पोर्शन बचे हुए। एक तो पहला पोर्शन है कि बकेट को लेके तो दौड़ रहे अलग अलग तरीके से, वो अलग पोर्शन, ठीक है? और एक पोर्शन बचा हुआ है आपका लिक्विड मोशन में, जहां पे आप लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक? और एक पोर्शन है सरफेस टेंशन। 3 पोर्शन बचे हुए थे, ये पहला पोर्शन तो खत्म हो गया मेरा। 5 पोर्शन में डिवाइड होता है लिक्विड। पहला पोर्शन जो प्रेशर वाला किया था, सेकेंड पोर्शन जो हम लोग बायंसी वाला आज कर रहे हैं, ठीक है? तो 3 पोर्शन और बचे हुए। तो अगर कल हम लोग एक पोर्शन खत्म कर लेते हैं तो सैटरडे को थोड़ा जल्दी खींच दूंगा, तो हो सकता है सैटरडे खत्म हो जाए। अगर नहीं होगा तो मंडे ट्यूजडे तक जाएंगे। कल इवनिंग में ले सकते हैं 1 घंटे की क्लास, मॉर्निंग में तो है ही फिक्स। सर इवनिंग में ज्यादा की भी ले लिए कोई दिक्कत नहीं है कल? नहीं, इवनिंग में मैं ज्यादा नहीं ले सकता ना, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक लगातार, ठीक है? तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कितने बजे, 3:30, ठीक है? 3:30 पे क्लास, सेम लिंक है, ठीक है? 3:30 to 4:30 या ज्यादा टाइम हुआ खींच पाऊंगा तो 5 बजे तक खींच दूंगा। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आप क्लास ही करते रह जा रहे हैं और घर जाने के बाद आराम से सो जा रहे हैं कि बहुत पढ़ लिया, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना? तो आपने पूरी मेरी मेहनत को जीरो कर दी, ठीक? तो अगर आप यहाँ पे 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको घर पे भी 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। 1.5 महीने के लिए भूल जाइए सोना, वहां पर डिपेंड करता है कि शरीर को कैसे रखते हैं। सोने की आदत 12 घंटे की होगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आदत में सुधार लाएंगे तो आपके लिए 5 घंटे की नींद भी बहुत है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा। ये कोन है जिसकी हाइट h है, रेडियस r है, इसको आपने एक लिक्विड में डाला, इसकी डेंसिटी रो है। तो आपसे पूछा गया फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन, ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन। एक लाइन का है, जल्दी
ये पानी यहीं तक है। अगर सिंपल यहां पे ध्यान दीजिए, ये पानी है ना, और यहां पे भी लिक्विड है, ठीक। ये लिक्विड इस सरफेस से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड के बारे में बात करूं तो इस लिक्विड पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, कोन का कर्व सरफेस ना, यही तो इसको बैलेंस कर रहा है। अगर बैलेंस नहीं कर तो रस्सी को तोड़ के नीचे आ जाता है। लॉजिकली सोचिए, ये कोन है और कोन के चारों तरफ पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले कहा कि पानी के ऊपर वेट लग रहा है mg, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया वाला इसको बैलेंस कर रहा है, नहीं तो पानी यहाँ पे रुकता नहीं, इसको नीचे ले आता, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जितना इस पोर्शन वाले पानी का वेट होगा, ठीक है। इस पोर्शन वाले पानी का वेट कितना होगा, ये तो एक बड़ा सा सिलेंडर बन गया, सिलेंडर में से इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 pi r² h into rho। क्लियर है? चलिए बस 5 मिनट का ब्रेक, 5:50 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी। अखिल जी वो तो कल भेजा लेक्चर सेट तो ओपन ही नहीं हो रहा आपकी फाइल। हाँ आगे पीडीएफ आगे भेजी मैंने तो। डाउनलोड हो गई? डाउनलोड हो गई नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है, जल्दी से दोबारा भेजिए। तो अब तक्षले वाले आईडी से भेजिए, ये रहने दीजिए नाम, ठीक है।
लेकिन नहीं सर आपके दोस्त में तो सही आ जाएंगे चंदो तीन सौ भी स्कैन करता हूँ मेन फाइल सही रहेगी मैंने वो भी नहीं लगाया स्टिक कुछ जैसा नॉर्मल और वैसा है भैया तो वैसे भैया नहीं तो हो ही नहीं रहा है उसमें तो ओपन हो गया मोबाइल में। अच्छा उसको भेजे दोबारा उसमें आईपैड में ओपन नहीं हो रहा। और क्या सब तो ओपन हो ही रहे हैं तो लास्ट कहां तक करवाया था अच्छा उससे क्वेश्चन करवा दिए थे चलो एक दो क्वेश्चन आ जाइए वापस
ये दिया हुआ लैम्डा कूलम पर मीटर। इस वाले एंड पे एक पॉइंट है जो कि यहां से डी डिस्टेंस पे है, तो निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा वन कितना हो जाएगा और थीटा टू जीरो। सर ये वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट। तो मैंने क्या लिखा था, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये था ना। और ई पैरेलल कितना था, के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थीटा वन की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पहले वाले केस में कितना आ जाएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और सेकंड वाले केस में भी कितना आ जाएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर ये हो गया और ई पैरेलल ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी रूट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लैम्डा कूलम पर मीटर, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो कि यहाँ से डिस्टेंस डी पे है और यहाँ से भी डिस्टेंस डी पे है। तो इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर इस वाले वायर के लिए देखें, इस वाले वायर के लिए इसके कारण E परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा और इसके कारण E पैरेलल इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं सबसे पहले E परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लेता हूँ। E परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, थीटा वन की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और थीटा टू कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी साइन 91 प्लस साइन 45 वन अपॉन रूट टू। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K लैम्डा अपॉन D cos 90 0 cos 45 1 अपॉन रूट 2, यही होगा ना। ठीक, तो आपने इसकी वैल्यू लिख ली, K लैम्डा अपॉन D 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और ये हो जाएगा K लैम्डा, हाँ, K लैम्डा अपॉन रूट 2 इंटू D। और उसी तरीके से अगर मैं इस वाले वायर के लिए देखूं, इस वाले वायर के कारण E परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, E2 मान लीजिए। ठीक, और E पैरेलल क्या होगा इस डायरेक्शन में, इसको E3 मान लीजिए। E2 की वैल्यू कितनी होगी, K लैम्डा अपॉन D 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2। ठीक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी K लैम्डा अपॉन रूट 2 इंटू D। अब अगर यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो K लैम्डा अपॉन रूट 2 D, K लैम्डा अपॉन रूट 2 D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, K लैम्डा अपॉन D। अब इधर भी इन दोनों में K lambda upon root 2 D, K lambda upon root 2 D कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, K lambda D। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, root 2 K lambda upon D, ये E net आ जाएगा। हो गया,
ये आपके इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर है, इस वाले पॉइंट पे जो कि डी डिस्टेंस पे है कितनी हो जाएगी वैल्यू? हाँ, ई परपेंडिकुलर होगा, ई पैरेलल तो जीरो हो जाएगा ना, थीटा वन भी 90 डिग्री है, थीटा टू भी 90 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस कॉस 90 मतलब ये तो जीरो हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ई परपेंडिकुलर, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा साइन 90 प्लस साइन 92। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक पॉइंट मास है एम और इस पे चार्ज कितना है क्यू, ठीक, और ये क्या है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पे चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस वाले पॉइंट मास पे जो चार्ज क्यू है इस पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई, क्योंकि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। तो आपने कहा कि इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ क्यू ई, और नीचे क्या लग रहा है एम जी, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब एम जी इज इक्वल टू क्यू ई। अब क्वेश्चन क्या है, इफ लिखें, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस क्यू चार्ज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल ये निकालिए कि किसी भी एक डायरेक्शन में आपने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस करने के कारण नेट फोर्स मतलब कि एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा, एक्स्ट्रा फोर्स निकालिए, और एक्स्ट्रा फोर्स को किसके इक्वल रख देंगे, माइनस के एक्स से, वहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, अभी आप लोगों को नहीं पता ऐसा क्या, आपने मान लिया इसको x डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया, अगर मैं x डिस्प्लेस करूंगा तो इस वाले पोजीशन पे mg फोर्स तो लगेगा ही, ऊपर की तरफ क्या लगेगा QE, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, k lambda अपॉन d प्लस x, कौन सा फोर्स ज्यादा है, mg, ठीक है, पहले तो mg इक्वल टू qe था ना, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया, तो mg फोर्स ज्यादा है, ठीक, अगर mg फोर्स ज्यादा है तो एफ नेट कितना हुआ, एफ नेट
इज इक्वल टू एम जी माइनस के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स। लेकिन इसको मैं क्या ले रहा हूं माइनस के साथ, क्यों? क्योंकि आपने एक्स डायरेक्शन ऊपर डिस्प्लेस किया है और नेट फोर्स कहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन है आपका। तो यहां पे वैल्यू पुट कीजिए माइनस एम जी प्लस के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, कंपैरिजन तो तभी हो सकता है। एम जी की वैल्यू क्यू ई पुट कर दीजिए, इनटू के के लैम्डा क्यू कॉमन अंदर क्या बचेगा टू अपॉन डी प्लस अच्छा हाँ वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन डी प्लस एक्स। तो माइनस टू के लैम्डा इंटू क्यू डी प्लस एक्स माइनस डी डिवाइडेड बाय डी इंटू डी प्लस एक्स। यार है माइनस टू के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय डी इंटू डी प्लस एक्स इंटू एक्स। अभी मैंने क्या बताया कि जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है इसका मतलब x इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू d। इसका मतलब d प्लस x की वैल्यू क्या होगी d के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स। ये आ रहा है ना, और इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे माइनस के इंटू एक्स। के अलग है वो हम लोग एस एच एम में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है टू के लैम्डा क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट। वैल्यू पुट करिए देखिए क्या आ रहा है, कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। कितनी आ रही है टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के। के तो यही है, और यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो टू के लैम्डा अपॉन डी इंटू क्यू अपॉन डी लिख सकता हूं ना इसे, ठीक है। ये किसके इक्वल है mg। तो आपने क्या लिखा mg q by d। हाँ हाँ q भी है, q भी है वन अपॉन डी। तो आंसर हो गया टू पाई अंडर रूट डी अपॉन टाइम पीरियड। हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग. मैंने कहा कि एक चार्ज्ड रिंग है जिसपे आपने कितना चार्ज दिया है क्यू, इसके एक्सिस पे इस वाले पॉइंट पे इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और मैंने कहा ये सेंटर से कितनी दूरी पे है एक्स दूरी पे. यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लियर है? अब देखिए इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट है. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूं तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है. अगर मैं राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव. अब सिंपल यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पी पॉइंट पे है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो. इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होती है, प्लस माइनस r बाई रूट टू, ठीक है. इस डायरेक्शन में भी r बाई रूट टू और इस डायरेक्शन में भी r बाई रूट टू. और जीरो कहां पे होती है, x इज इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे. x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दीजिए. कर सकते हैं क्या इन्फिनिटी पुट, कैसे करते हैं? हैं? ठीक है, तो e की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, x इज इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाना, ध्यान से ग्राफ को समझिएगा. ये इंक्रीज हो रहा होगा, मैक्सिमम तक पहुंचा होगा, तो उसके बाद डिक्रीज होकर जीरो पहुंचेगा. और किस पोजीशन पे मैक्सिमम पहुंचेगा, आर बाई रूट टू पे. और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव. और ये क्या जा रहा है, फिर से जीरो पे जा रहा है. और किस पोजीशन पे मैक्सिमम हो रहा है, माइनस आर बाई रूट टू. इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, इससे आपने इसी का मिरर इमेज लिया, अपोजिट डायरेक्शन. ग्राफ बनाइए ये क्वेश्चन पे. हैं नोट कर लिया. आपने कहा एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इस रिंग के सेंटर पे आपने स्मॉल मास एम और माइनस क्यू चार्ज रखा, और इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू. अब अगर इस सेंटर को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अभी आपने देखा था कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो. अगर यहाँ पे अगर इसके सेंटर पे मैंने अगर कोई से भी क्यू चार्ज रखूं, तो इस वाले पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा क्यू चार्ज पे, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, ठीक. अब मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे फोर्स जीरो लग रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है. एफ नेट इज इक्वल टू जीरो. अब मैंने क्या किया, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस माइनस क्यू चार्ज बाई एक्स देन फाइंड टाइम पीरियड.
it will slightly displace minus q charge along the axis and release. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. गलत एक और क्यों आएगा देखिए स्लाइटली डिस्प्लेस कर दीजिए मान लीजिए क्यू चार्ज यहां पहुंच चुका माइनस क्यू चार्ज अगर माइनस क्यू चार्ज यहां पे पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है ना तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा अपोजिट ठीक तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई माइनस क्यू इंटू ई माइनस क्यों लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है और फोर्स कहां लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में ठीक और यहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस क्यू और ई की वैल्यू क्या बताई थी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है एक्स की वैल्यू क्या बहुत स्मॉल है अगर एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू एक्स अब इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर कर देंगे माइनस के एक्स के साथ तो ये क्या है आपका के इक्वल तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू गिरी हो गया मैंने कहा कि एक रिंग है जिसपे चार्ज कितना है क्यू और इसका रेडियस है आपका कैपिटल आर इस रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट मास है और इसपे चार्ज कितना है क्यू अगर सिंपल यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा ठीक है ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी लोकेशन फॉर इक्विलिब्रियम कितने लोकेशन पे ये जो मास है वो इक्विलिब्रियम पे होगा क्या एक होगी जब नहीं बोला तो सोचिए गलत है ऐसे कितने लोकेशन मिलेंगे जहां पे एम मास आपका इक्विलिब्रियम में होगा अगर एम मास को जो मैं नीचे ले आऊं रिंग के तो इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या नहीं क्योंकि ई के इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ और इस पे mg भी नीचे की तरफ तो नीचे वाले पोर्शन पे तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता ठीक है तो इक्विलिब्रियम हो रहा है अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है इसका मतलब mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा क्यू ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो यही है ठीक है तो मैंने कहा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ mg है तो आपने कहा कि mg शुड बी इक्वल टू क्यू ही अब अभी आपने ग्राफ पढ़ा था अभी आपने ग्राफ पढ़ा था तो देखा था कि ग्राफ ऐसा है दो पोजिशन पे दो एक्स की वैल्यू पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ठीक है इसका मतलब कितने लोकेशन होंगे दो लोकेशन होंगे देखिए
हो गया। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये तो मेरे को पता चलेगा कि दो लोकेशन मिलेंगे आपके इक्विलिब्रियम के। क्वेश्चन क्या था, एक्स वन इज स्टेबल एंड एक्स टू इज अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना स्टेबल अनस्टेबल, एक्स वन इज अनस्टेबल एंड एक्स टू इज स्टेबल। एक्स वन एंड एक्स टू बोथ आर स्टेबल, एक्स वन एंड एक्स टू बोथ आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये बताना है। एक्स वन पहला क्या क्यों देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया था कि अगर मैं पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूं तो पार्टिकल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको मैं कहता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि ये मान लीजिए x2 पोजीशन है या मान लेता हूँ x1 पोजीशन है ये। ठीक, अगर x1 पोजीशन है मैंने क्या किया इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस कर ऊपर की तरफ मतलब कि इसका मतलब यहाँ पर आ गया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा था तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया तो इसको दूर ले जाएगा और इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके नहीं आ पाएगा। लेकिन मान लीजिए ये x2 होता, अगर x2 होता मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ मतलब कि मैं यहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो mg डोमिनेट करने लगेगा, mg डोमिनेट करेगा तो ये वापस इसको उसी पोजीशन पे ले आएगा। इसका मतलब कौन सी स्टेबल है, x2 स्टेबल है और x1 क्या है अनस्टेबल। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करके लाइएगा फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल। एक रिंग है, एक रॉड है, रिंग का रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है, रॉड की लेंथ एल है और इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो फाइंड फोर्स ऑन रॉड, फाइंड नेट फोर्स ऑन रॉड। इसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज दिया हुआ आपने लैम्डा कूलम पर मीटर, तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ये दो क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद मैं मेंस में क्वेश्चन बताऊंगा कि मेंस में क्या पूछा, इसी का एप्लीकेशन पूछा था। नेट फोर्स ऑन द रॉड, इस रिंग की वजह से इस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, कल मॉर्निंग तक इसको कर लीजिएगा, 15-20 मिनट का टाइम देंगे आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट मानेंगे, इस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट कल मॉर्निंग में क्लास है 9 to 11। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं आई। ठीक है, और इवनिंग में आप लोगों की 3:30 बजे जैसे होती है।